आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कंप्लीट नवरात्रि की थाली। इसमें कई चीज़ें हैं, तो पहले हम पनीर बनाना स्टार्ट करेंगे। एकदम फलाहार के रूप में इसमें बस थोड़ी सी सामान यूज करेंगे। तो पहले गैस जला के कढ़ाई रखेंगे। बनाने के लिए हमने लिया है ये 3 से 4 चम्मच दही, और ये पनीर जो हमारा घर का जमाया हुआ है, और ये दूध की मलाई फ्रेश, ये 3 टमाटर और अदरक का टुकड़ा, और ड्राई फ्रूट जो है हमने थोड़े से मूंगफली की ग्रेवी बनाने के लिए मूंगफली के दाने और बादाम भिगा दिए पहले से, और ये सेंधा नमक और काली मिर्च, ये दालचीनी पाउडर, इतनी सामान हम पनीर बनाने में यूज करेंगे। दो चीज़ें जो है साथ में ही बनाएंगे। तो इधर गैस पे हमने ये 1/2 लीटर दूध जो है हमने चढ़ा दिया है। ये जब तक हम पनीर की मतलब तैयारी कर रहे हैं तब तक ये हमारा दूध खौल जाएगा। इस दूध से हम साबुनदाने की खीर बनाएंगे, और साबुनदाना ये जो है हमारा एक कटोरी छोटी कटोरी से हमने ये भिगा दिया है। तो ये 15 मिनट के लिए भिगाया है, जिससे ये जो व्रत वाला साबुनदाना है जिसको मोती साबुनदाना कहते हैं, तो वो ये थोड़ा हमने 15 मिनट के लिए भिगा दिया है। तो पहले कढ़ाई में ये खाना हम जो है सब देसी घी से बनाएंगे। तो हम पहले आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या मूंगफली का जो तेल आता है, हम देसी घी में बना रहे हैं। तो इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गरम हो जाने पे ये हम खड़े मसाले डाल देंगे। इसमें जीरा है, सफ़ेद इलायची है, और ये मतलब तेज पत्ता है, और ये जो काली इलायची का बीज है। मसाले हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये व्रत के लिए है, और मिर्चे का हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। मसाले हमारे चटकने लगे हैं, तो इसमें हम ऐसे रफली काट के अदरक के टुकड़े डाल देंगे। ये हमने आइडिया से 1 इंच के मतलब इससे थोड़ा और ज़्यादा डाला है, नहीं तो फिर क्योंकि हमें सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, और टमाटर हमने रेड वाले इसलिए लिए कि हमें हल्दी का नहीं यूज़ करना है। इसमें इसका ये पार्ट निकाल के ऐसे रफली चॉप करके डाल देंगे। ये हमने 3 टमाटर डाल दिए हैं, और इसमें बस और कुछ नहीं डालना है। ये जो हमने ड्राई फ्रूट भिगाए हैं इनको भी इसी में डाल देंगे। और स्वाद के अनुसार ये सेंधा नमक है, इसको भी हम डाल देंगे इसमें, जिससे हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। और इसको हम अब ढक देंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक ढक के पकाएंगे। हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं तो हम ये दूध को चेक कर लेते हैं। दूध हमारा ये खौलने लगा है अच्छे से। तो इसमें हम ये जो साबुनदाना है ये हमने 2-3 बार धुल के रखा था, तो इसको छन्नी से छान लेंगे।
एक दो पानी से और धुल के ये साबुनदाना जो है हम इसी दूध में डाल देंगे। बहरहाल अभी हम दूध इतना ही डाल रहे हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और दूध डालेंगे। इसको चला देंगे। ये थाली हमारी 30 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। इसकी प्रिपरेशन हम पहले से तैयार कर लें तो फिर टाइम नहीं लगता है। साबुनदाना जो है हम 2 मिनट तक चलाते रहेंगे, जब ये खौलने लगेगा तभी बंद करें जिससे इसकी गुलथियाँ ना पड़े। तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा करके ढक देंगे। ये साबुनदाना तब तक हमारा इधर तैयार होगा। इधर हम टमाटर अपने चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ने लगे हैं। इसी में हम ये दूध की जो मलाई है इसको भी डाल देंगे, थोड़ी सी आधी, और आधी जब हम टमाटर को ग्राइंड करेंगे तब डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद में हमारे जो है टमाटर पक जाएंगे, और दही भी डाल देंगे इसी में। ये दही जो है हमारा, ये दही भी इसी में डाल देंगे, और इसको हम धीमी आंच पे गैस का फ्लेम धीमा करके खोलने लगा। अब इसको हम ढक देंगे। अब ये दही हमारा फटेगा नहीं, ये खोलने लगा है तो अब इसको हम ढक देंगे। अपनी साबुन, जब तक ये हमारा टमाटर ये सब पक रहा है, ग्रेवी बन रही है, तो हम ये साबुनदाने के खीर जो है इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो इसमें दूध हमारा परफेक्ट है, और ये भीगा हुआ साबुनदाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। इसको 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। इसमें जो है ये चीनी जो है स्वाद के अनुसार डालेंगे, जैसा मीठा खाना है तो अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम पका के देख लेते हैं, अगर गाढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा दूध और डाल देंगे। हम ये अपने टमाटर जो है खोल के चेक कर लेते हैं, तो लगभग ये भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और पक गए हैं, बिल्कुल पक गए हैं। अब इनको प्लेट में निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। हमारा टमाटर और ये ठंडा हो रहा है तो हम मूंगफली की चाट बनाएंगे, मूंगफली के दाने की। तो इसको एक कटोरी मूंगफली ली है, इसको कुकर में डाल के 2-3 प्रेशर आने तक बॉईल कर लेंगे, मतलब उबाल लेंगे पका। तो मूंगफली के दानों को 1 कप पानी डाल के हम धुल लेंगे, और ये साफ कर लिए है और इनको कुकर में डाल देंगे। अब हम 1 कप पानी डालेंगे और थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे। इसको थोड़ा सा खोल देंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। डाल लेंगे, एक साइड में कर देंगे। इधर कुकर को हम गैस पे चढ़ा देंगे, कुकर को चढ़ा देंगे। इसको 2-3 सीटी आने तक पका लेंगे। इधर हम खीर को चेक कर लेते हैं। खीर हमारी पक गई है, तो इसमें जो है हम ये थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये मखाने और किशमिश, बादाम, थोड़ी सी गरी, ये हम डाल देंगे।
मूँगफली के दानों में 2-3 सीटियाँ आ गई हैं, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इधर हमारी खीर भी तैयार हो गई है, तो इसका गैस का फ्लेम बंद करते हैं और तब तक हम का मसाला है इसको ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। हम पीस लेते हैं। इधर प्यूरी बन चुकी है पनीर के लिए और इधर हमारी खीर भी बन चुकी है, तो तब तक हम खीर को सर्व कर लेते हैं। और इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं किशमिश और बादाम से। ये हमारी खीर बनके तैयार है। पनीर बनाएंगे तो पहले गैस को जला के कढ़ाई गैस पे रख दिया है। सेम कढ़ाई को हमने धुल के साफ करके चढ़ा दिया है। पनीर बनाते हैं। हमारी मूँगफलियाँ ठंडी हो रही हैं। कढ़ाई को अच्छे से सुखा लेंगे, नहीं तो फिर ये पानी के छींटे जो है ऊपर आएंगे। खाने के लिए हम 1 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी हमारी पकी हुई है तो हमें पकाना नहीं है ज़्यादा। और इसमें हम छौंकने के लिए ये जीरा लिया है और ये कसूरी मेथी, तो इसको इसी घी में डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अब ये जो ग्रेवी है इसको इसी में डाल देंगे हम। और ये जो हमने पनीर का पानी जो हमने घर में ही पनीर फाड़ा है, जो ये पानी हमारे पास रखा हुआ है, हम इसका यूज करेंगे आज जो इसी पनीर में। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राइंडर में जो ग्रेवी लगी है तो इसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 5 मिनट के लिए ढक देंगे। खोल के चेक कर लेते हैं। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है, गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम इसमें मसाले यूज करेंगे। पहले हम डालेंगे इसमें ये व्रत वाला नमक जो सेंधा नमक है, हमने टमाटर में भी डाला था तो इसको हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। सेंधा नमक जो कोई खाता है तो मतलब डाले, नहीं तो नहीं भी डाले, और ये हर जगह आसानी से मिल जाता है। ये हमने थोड़ा सा जो है गर्म मसाला लिया है तो इसका यूज करेंगे। और ये दालचीनी का पाउडर है और ये भुना हुआ जीरा है और ये मिर्च का यूज नहीं किया इसलिए हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल लाजवाब। और अब हम पनीर के पीसेस इसी में पहले मलाई ये डाल देंगे, इससे इसका कलर अच्छा आ जाएगा। और हमने हल्दी का बिल्कुल यूज नहीं किया है इस सब्ज़ी में, क्योंकि हम व्रत में हल्दी नहीं खाते हैं, और अगर आप खाते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। ग्रेवी हमारी बन गई, तो हम इसी में पनीर जो है मनचाहे आकार के पीसेस करके छोटे बड़े किसी भी प्रकार के डाल देंगे। ये हमने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। हम केवल ये दिखाना चाहते हैं कि व्रत में जो है हम पनीर की सब्जी ऐसे बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ये सब्जी बनेगी।
अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करके। चेक कर लेते हैं तो ये पनीर हमारा बिल्कुल पक्के व्रत वाली पनीर की सब्जी बनके तैयार है। बढ़िया क्रीमी लाजवाब ये सब्जी बनके तैयार है। हरी धनिया से गार्निश करके इंजॉय करिए। ये दो चीज़ें हमारी बनके तैयार है। अब हम चलते मूंगफली की चाट बनाएंगे। मूंगफली को हमने निकाल के ठंडा कर लिया है और पहले आप कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। जीरा डालेंगे। चौकोर टुकड़ों में कट कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखेंगे जिससे हमारे मसाले न जलें। तो इनको हम ऐसे चौकोर टुकड़ों में कट कर लेंगे। आलूओं को इसी घी में डाल के फ्राई कर देंगे। और इसी में ये मूंगफली के दाने डाल के थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। अब इसमें ये काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। और सेंधा नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और ये जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर है, इसको थोड़ा सा डालेंगे। सारे मसालों को मिला देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देंगे। जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है इसको ढक देंगे। तब तक हम ये जो है टमाटर और ये सब तैयार कर लेते हैं कट करके। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे छोटा छोटा कट कर लेंगे इस तरह का, बिल्कुल छोटा छोटा। पीछे का पार्ट निकाल के तो ये हमने टमाटर और हरी मिर्च, अदरक थोड़े से कद्दूकस करके रख लिया है। और ये आधा नींबू यूज करेंगे। अगर नींबू नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर अमचूर पाउडर यूज करेंगे। पहले इसमें
आधा नींबू डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और मिक्स कर देंगे। अब इसी में हम ये जो है टमाटर कटे हुए डाल देंगे, ये आधी हरी मिर्च जो है, हरी मिर्च आप घटा बढ़ा सकते हैं, ये अदरक जो है कद्दूकस, और इसको मिला देंगे। ये जो है जैसे चाय के साथ में सुबह खाने के लिए बहुत अच्छा स्नैक्स है और हेल्दी भी है। अब इसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे, तैयार है, इसको भी हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये बहुत अच्छी चटपटी चाट बनी है। आप व्रत में पूरा खाना नहीं बना सकते हैं तो ये इतना हेल्दी स्नैक्स है कि इसको आप चाय के साथ बना के खा सकते हैं और ये मतलब पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। और इसको आधे नींबू से गार्निश करिए, अपना स्वाद के अनुसार और मिला लीजिए। चीज़ें हमारी बनके तैयार है। हम चौथी चीज़ बनाएंगे जो फ्राई आलू। कढ़ाई में गैस जलाएंगे और एक चम्मच घी डालेंगे। घी का हम थोड़ा ही यूज करेंगे क्योंकि ये व्रत का खाना है, तो इसीलिए हम आधा चम्मच ही यूज कर रहे हैं। छोटे चम्मच से केवल हमें जीरा पकाना है। हमने इसमें घी एक चम्मच डाला था तो उसमें अब हम जीरा डालेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्राई करेंगे, ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये आधी हरी मिर्च, जीरा जब हमारा चटकने लगे अच्छे से तो हम ये तीन आलू कट किए हैं छोटी छोटी मीडियम साइज की, इनको डाल के फ्राई कर देंगे। उबली हुई आलू हैं हमारी, ये उबली हुई आलू हैं, इनको हम ऐसे आराम से दो मिनट तक सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसको हमें स्वाद के अनुसार यूज करना है। और चटपटा बनाने के लिए, तीखेपन के लिए हम काली मिर्च का यूज करेंगे। हमने पूरे खाने में कई मिर्चे का यूज, बस बहुत कम एक ही मिर्चे का यूज किया, हरी मिर्च का। और ये जीरा पाउडर, इससे हमारी आलू बहुत लाजवाब बनेंगी, बहुत ही टेस्टी बनेंगी। इनको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। और जो है आधा नींबू का रस भी डालेंगे तो इससे बहुत चटपटी आलू हमारी बन जाएंगी। ये हम आधे नींबू का रस भी डालेंगे इसमें। अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन हम नींबू का यूज कर रहे हैं। अभी लेंगे जिससे इसका जो है मसालों का फ्लेवर अंदर तक आलू में पहुंच जाए और गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं। आलू भी हमारी तैयार हो गई हैं तो इनको भी हम सर्व कर लेंगे। इस तरीके से हम आलू चाय के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। ये चार चीज़ें हमारी बनके तैयार हैं। अब पांचवी हम कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाएंगे। कढ़ाई को हम साइड में कर देंगे। आलू से हम दो डिश बना चुके हैं तो अब हम लौकी का यूज करेंगे। थोड़ी सी लौकी का यूज पूड़ी बनाने के लिए
तो पहले इसमें थोड़ा सा हम 1 इंच ये अदरक का टुकड़ा 1 इंच काट लेंगे और इसको कद्दूकस कर लेंगे। और इसी में आधी लौकी जो है ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। ऐसे हम सारी लौकी कद्दूकस कर लेंगे। लौकी हमारी ये कद्दूकस हो चुकी है, अब इसका हम जो है पानी निकाल देंगे। पानी हम बाद में यूज करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। लौकी का हम निकले केवल ऐसे हम निचोड़ देंगे हल्का सा, जो ज़्यादा पानी है तो वो निकल जाएगा और उसको हम बाद में यूज कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। अब इसी में हम ये सेंधा नमक डालेंगे। अब इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से आटा डाल के मिलाएंगे। पहले हमने 3 चम्मच डाला है, थोड़ा सा आटा ले लेंगे और ये जो लौकी वाला पानी है इसी को हम अब यूज करेंगे। इसमें केवल हमने सेंधा नमक और अदरक का यूज किया है। इसका हम पूड़ियों का जैसे डो बना लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आटा और हम इस सख्त आटा बनाएंगे, आटा और मिला लेंगे थोड़ा सा। ताके इस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को पानी सूखने तक गर्म होने देंगे। डो बना लिया है, ये बिल्कुल पूड़ी का जैसा डो है, जैसे हम आटे की पूड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके का। इसमें हमने पानी का बिल्कुल नहीं यूज किया है, ये लौकी का पानी जो हमने निकाला था उसी का यूज किया है। ये हमारा कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा से भी हम बना सकते हैं। कुट्टू का आटा आपको कहीं भी मिल जाता है, हर जगह मिलता है, तो ये हमने कुट्टू का आटा यूज किया है। ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट डो है। अब इसकी हम पूड़ियाँ बनाएंगे। हमने पहले से रख दिया है थोड़ा, पूड़ियाँ बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा ही घी लगेगा। इसके हम पराठे भी बहुत अच्छे से जो है थाली प्लेट ऐसे तवा पर भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, उसको भी हम किसी दिन इसी नवरात्र में बना के दिखाएंगे। तो अब हम थोड़ा सा हाथ पे घी लगाएंगे और ये लोइयाँ काट लेंगे नींबू के बराबर, जितनी बड़ी हमें चाहिए हम हाथ से ही बना सकते हैं ऐसे बढ़ा के। इनको हमें ज़्यादा मोटी नहीं बनाना है, बेलन का नहीं यूज करेंगे, ऐसे हाथ से भी अच्छी बन जाती हैं ये। ऐसे इस प्रकार से छोटी छोटी पूड़ियाँ हाथ से ही तैयार करेंगे। हम पूड़ियाँ बना लेंगे। पूड़ियाँ जो है हाथ से ही तैयार कर ली बना के, ये मोटी थोड़ा बनती हैं, बहुत पतली नहीं बनती हैं। तो इनको अब हम तेल को चेक कर लेते, थोड़ा सा आटे का ये पोर्शन डाल के। तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, तो इसमें हम पूड़ियाँ अब तल लेंगे।
इन पूड़ियों को हम फुल फ्लेम पे तलेंगे। और इनको गोल्डन होने तक हम पकाएंगे। अब पूड़ी को हम निकाल लेंगे। ऐसे हम दूसरी पूड़ी डालेंगे और गैस का फ्लेम तेज कर देंगे। और पूड़ी को पलटा देंगे। इसी तरह से हम ये सारी पूड़ियाँ पका लेंगे। हाथ से बनाई थी उनको अब हमने पका लिया है। और ये तीन लोइयाँ जो है, जो हाथ से नहीं बना, मतलब हर कोई नहीं बना पाता है, तो हम ये आपको बिल्कुल इजी तरीका, जैसे हम आटे की पूड़ियाँ बेलते हैं, तो थोड़ा सा ये सूखे आटे में लपेट के और इनको भी आराम से बेल लेंगे। इनकी थिकनेस थोड़ी मोटी ही रखना है, बस बिल्कुल गोल पूड़ियाँ बेल लें। उठा के तेल में डाल देंगे, इसमें घी में पका लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरी पूड़ी भी बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बिल्कुल इजी तरीके से बेल जाएगी। इसी तरीके से हमने तीनों पूड़ियाँ बेल ली है। अब इनको हम सेक लेंगे। पूड़ियाँ भी बन के तैयार हैं। इसी सेम कढ़ाई में मखाने थोड़े से फ्राई कर लेंगे, तो ये हमारी कढ़ाई का घी भी यूज आ जाएगा और ये छोटे वाले मखाने खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और थोड़ा सा सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च। ये सारा खाना हमने केवल 4-5 चम्मच घी में बना लिया है। अब पूरा हेल्दी भी है और ये इनको हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये हमारे मखाने फ्राई हो गए हैं, इनको हम सर्व कर लेंगे। ये देखो हमारी मतलब 5 मिनट के अंदर 7 चीज़ें बनके तैयार हैं। ये हर चीज़ मतलब हेल्दी, ये हम मतलब 6 दिन के लिए तो हमारा पूरा बन ही गया नाश्ता। इसको हम चाय के साथ खा, 6 दिन आप अलग अलग चीज़ें बना के खा सकती हैं। हर मतलब हेल्दी भी है और खाने में टेस्टी भी है। तो इसलिए अगर हमारा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।
इस थाली को आप इस नवरात्र में बनाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा बनाएंगे।